दो बाइकों की आमने सामने से जमकर भिड़ंत हो गई, जिसमें मां बेटे सहित तीन लोगों की मौत हो गई है। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं पर मेडिकल कॉलेज इन्हें रेफर कर दिया गया है। अलीगढ़ के थाना छर्रा इलाके के अतरोली छर्रा रोड स्थित रामपुर मोड़ के पास में देर रात दो बाइकों के बीच में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। एक बाइक पर सवार मां बेटे सहित तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पर दो अन्य लोग इसमें खून से लथपथ होकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि दोनों बाइक सवारों के जो आमने सामने से भीषण टक्कर हुई थी उसमें दोनों बाइकों के परखच्चे भी उड़ गए हैं। दो बाइकों के बीच में हुई यह आमने सामने की भिड़ंत में मां बेटे सहित तीन लोगों की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर मृतक मां बेटे सहित तीन लोगों के शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पर एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल दोनों घायलों का उपचार लगातार CHC छर्रा में लगातार जारी है, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद में दोनों घायलों की हालत को नाजुक देखते हुए उन्हें हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। आपका अमजद कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये यहाँ क्या घटना हुई है? कोई मौत हुई है? कैसे मौत हुई है? एक्सीडेंट में मौत हुई है, तीन लोग खत्म हुए हैं इसमें। अच्छा, और हम सिकंदराबाद के रहने वाले हैं। एक ये अरमान था और दो उनका उपचार चल रहा है जो घायल है उसके साथ थे। तो ये कहाँ से आ रहे थे? ये छर्रा शादी में आ रहे थे। लगभग क्या बजे की घटना है ये? 5:30 बजे करीब। 5:30 बजे ये हादसा किस जगह हुआ है? ये रामपुर भुड़िया के बीच में हुआ है। तो ये मौके पर खत्म हो गए थे? हाँ, ये उपचार के दौरान, उपचार से पहले ही खत्म हो गया था। तो ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है? ये मोटरसाइकिल आपस में भिड़ी है, आपस में दो बाइकों की आपस में भिड़ंत हुई जी। तो इनकी उम्र कितनी होगी लगभग? 23-24 साल। शादी होगी? नहीं, अभी नहीं। पिताजी क्या नाम इनके? शमशाद। मैं क्षेत्राधिकारी बरला अवगत कराना चाहती हूँ कि दिनांक 15/12/23 को थाना छर्रा क्षेत्र अंतर्गत रामपुर गांव के पास 5 पुरुष और 1 महिला सवार दो बाइकों की टक्कर हुई। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल इलाज हेतु निकटवर्ती CHC छर्रा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 पुरुष और 1 महिला को मृत घोषित कर दिया। 2 घायलों को बेहतर इलाज हेतु JNMC रेफर कर दिया गया है। मृतकों का पंचायत नामा भर के PM के लिए भिजवाया जा रहा है। मौके का मेरे द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है। तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पे शांति व्यवस्था सामान्य है।